नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि टर्टल्स के अंदर जितनी भी डिजीज होती है उनको एक एक करके मैं कवर करूं। आज मैं जो डिजीज कवर करने जा रहा हूं टर्टल्स में बड़ी ही आम कॉमन है, इसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज बोलते हैं। यानी टर्टल की जो शेल से रिलेटेड डिजीज है उसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज बोलते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, टर्टल की जो शेल में डिफॉर्मिटीज हो जाती है या एबनॉर्मल शेप जो है शेल का आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसे न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः टर्टल्स के अंदर कैल्शियम की कमी यदि डाइट में है उस कंडीशन में आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी। कैल्शियम की कमी होने के कारण टर्टल्स की जो ये जो शेल है ये काफी सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होने की वजह से बहुत जल्दी टूट भी जाती है या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। और प्रॉपर ग्रोथ ना होने के बाद जो टर्टल्स को जो है इंजरी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं शेल्स के। इसलिए अपने टर्टल्स की डाइट में कैल्शियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विटामिन D3 और विटामिन D2 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्प करते हैं, इसलिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 और विटामिन D2 डाइट में हमेशा होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके कैल्शियम। नॉर्मली आपने देखा होगा इन वाइल्ड कंडीशन जो टर्टल्स हैं वो 10 से 12 घंटे हमेशा अपने आप को सूर्य की रोशनी में जाके लेटे रहते हैं। सूर्य की रोशनी क्या है, अल्ट्रावायलेट वाला काम करती है। उसमें क्या है, सूर्य की रोशनी में अपनी बॉडी का कैल्शियम वो जो है यूटिलाइज करते हैं। घर के अंदर हम सूर्य की रोशनी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट का जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में प्रॉपर होता रहे। और अल्ट्रावायलेट यदि हम नहीं दे पाएंगे तो जो उसका बॉडी का जो ऊपर का सॉफ्ट शेल है जो शेल है वो सॉफ्ट होता चला जाएगा, उसमें डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वाला जिसकी टांगों में है बोन्स में है उनमें भी डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलेगी। कई बार हम क्या करते हैं जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम में अल्ट्रावायलेट लाइट एक्वेरियम के ऊपर न लगा के साइड में लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है शीशे के अंदर से एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए जो लाइट की जो डायरेक्शन होती है उसकी प्रॉपर जो टर्टल्स का बास्किंग एरिया है उसके ऊपर प्रॉपर 6 से 8 इंच की दूरी पे होनी चाहिए ताकि वहां से प्रॉपर जो है यूवी राइट्स का एब्जॉर्प्शन जो है टर्टल्स की बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके। कैल्शियम की कमी के कारण इसका जो शेल से काफी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टर्टल्स के जॉइंट्स में काफी स्वेलिंग आ जाती है, उसको चलने में काफी दिक्कत होती है। और कई बार अगर कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में टर्टल की डेथ भी हो जाती है। मेटाबॉलिक बोन डिजीज से बचने के क्या उपाय है, यानी आपका शेल ये सॉफ्ट ना हो या कैल्शियम की कमी ना हो टर्टल्स में, उसको हम कैसे बचा सकते हैं अपने टर्टल्स को इसमें? अब मैं एक एक करके आपको उपाय बताना चाहूंगा। सबसे पहला है, यदि संभव हो तो अपने टर्टल्स को पर डे 6 से 8 घंटे हमेशा सूर्य की रोशनी में जरूर रखना चाहिए। यदि सूर्य की रोशनी अवेलेबल नहीं है तो अल्ट्रावायलेट लाइट का जो इंतजाम जो है आपके एक्वेरियम में होना जरूरी है। लाइट जो है अल्ट्रावायलेट जो है 12 से 18 इंच की दूरी पर टर्टल्स के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। इतनी दूरी से जो है आपका जो टर्टल है इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट। टर्टल्स को डाइट में जो कैल्शियम है पाउडर फॉर्म में देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां काफी देनी चाहिए या कैल्शियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डाइट में देनी चाहिए जिनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो। यदि आपको कोई इस तरह का सिम्टम्स नजर आता था तुरंत अपने टर्टल्स को डॉक्टर के पास ले जाए, उसकी डॉक्टर के द्वारा जांच कराए। आप टर्टल्स का एक्सरे भी करवा सकते हैं, एक्सरे के अंदर उसकी बोन्स की प्रॉपर आप देख सकते हैं कितनी डिफॉर्मिटीज कितनी है। इसके लिए अब आपने अपने टर्टल्स का ब्लड एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए। ब्लड एग्जामिनेशन करवाने का एक पर्पस ये होता है कि आपके टर्टल्स की शेल टूटने से ही हो सकता है कि वो जो इन्फेक्शन है दूसरे ऑर्गन्स में ना फैल गया हो, तो ब्लड एग्जामिनेशन के द्वारा आप उसकी इंटरनल ऑर्गन्स की स्थिति का भी बता सकते हैं कि कोई बॉडी का कोई दूसरा ऑर्गन्स तो अफेक्टेड नहीं हुआ है। यदि आपका इस बीमारी से संबंधित कोई सवाल है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।